हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ एक बहुत ही अमेजिंग रेसिपी मैंगो डिज़र्ट की। बहुत ही यम्मी और क्विक बनती है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लिया है मैंने, इसमें डालूँगी मैं 1 कप मैंगो प्यूरी। ये रेडीमेड मैंगो प्यूरी मैं यूज़ कर रही हूँ। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप सिंपली मैंगो को काट के और ब्लेंड कर लें। अब इसको हम थोड़ी देर पका लेंगे। बस ये जस्ट बॉईल होने लगे बस इतना ही हमें पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं कुक करना है। और ये मैंगो में अच्छे से बबल्स आने लगे हैं, देख सकते हैं आप। बस हमें इसको इतना ही पकाना था, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब गैस को ऑफ कर देंगे और इसे रख देंगे एक साइड पर ठंडा होने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एक दूसरा पैन ले लिया है, इसमें मैं डालूँगी दूध। तो ये 1 कप और ये 1/2 कप, यानी कि 1.5 कप दूध मैं यूज़ कर रही हूँ। इसमें से थोड़ा सा दूध मैंने बचा लिया है, दूध में बॉयल आने देंगे। अब जब तक दूध में बॉयल आ रहा है तब तक हम इसके लिए घोल रेडी कर लेते हैं। तो ये जो बचा हुआ दूध था ये ले लिया है मैंने, और इसमें ऐड कर दूँगी मैं कस्टर्ड पाउडर। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड किया है और इसको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दूध में बॉयल आने लगा है। अब इसमें ऐड कर दूँगी ये मैं शुगर, 1/3 कप शुगर है ये, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे कि शुगर अच्छी तरीके से इसमें मेल्ट हो जाए। और ये जो हमने घोल तैयार किया है कस्टर्ड का, इसको हम थोड़ा थोड़ा डालते हैं और अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि इसके थक्के ना बनने पाए। और ये देखिए, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि ये अच्छी तरह से थिक हो गया है और काफ़ी क्रीमी दिख रहा है। और जैसे ही ये अच्छा थिक हो जाए गैस को ऑफ कर देंगे और इसको रख देंगे साइड पे ठंडा होने के लिए। अब ये मैंगो जो हमने पका के रखा था ये पूरी तरह से ठंडा हो गया है। इसमें मैं ऐड कर लूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर। आप इसमें डाल सकते हैं मैंगो फ्लेवर, कोई भी मैंगो एसेंस या फिर वनीला एसेंस, अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर जो आपको पसंद है ऐड कर लें। इसको मिक्स कर लिया। और अब ये कस्टर्ड भी हमारा ठंडा हो गया है और ये थोड़ा सा ठंडा होने के बाद जमने सा लगता है। इसको एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स कर लेने के बाद इसको हम ऐड कर देंगे अपने मैंगो प्यूरी में। अब ये सारा का सारा कस्टर्ड हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसको एक विस्कर की हेल्प से कर रही हूँ, जिससे कि जो इसमें थोड़े बहुत लम्स आ जाते हैं ना ठंडा होने के बाद, वो भी सब निकल जाएंगे और ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा। और अब ये एक ट्रे ले ली है मैंने, कोई भी ट्रे आप ले सकते हैं। और इसमें लगा लूँगी मैं कुछ डाइजेस्टिव बिस्किट्स। आप बिस्किट कोई भी चूज़ कर सकते हैं जो आपको पसंद हो, कोई भी मीठा बिस्किट लेके आप वो लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर डाइजेस्टिव बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। और अब इसके ऊपर ये हमारा मिक्सचर जाएगा। पूरी तरह से हम बिस्किट को कवर कर देंगे और ऊपर से डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो मैं यहाँ पर थोड़े से बादाम और थोड़े से पिस्ते ऐड कर रही हूँ। आप अपने पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और अब एक बार फिर से दूसरी लेयर रखेंगे हम बिस्किट की। और अब ये दूसरी लेयर लगा लेने के बाद फिर से इसके ऊपर ये हमारा मैंगो कस्टर्ड। और अब एक बार फिर से इसके ऊपर डाल देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। बहुत ही ईजी डिज़र्ट है ये। आप मैंगो सीज़न है अभी, तो इसको बनाएं और बहुत ही मज़ा आएगा। सबको बहुत पसंद आने वाली रेसिपी है ये और झटपट से बन भी जाती है। सिर्फ 8-10 मिनट ही इसमें लगते हैं। और अब बस ड्राई फ्रूट्स डाल देने के बाद इसको मैं रख दूँगी 10 मिनट के लिए चिलर में, जिससे ये थोड़ा सा सेट हो जाए। और ये 5-10 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था चिलर में, ये थोड़ा सा सेट हो गया है। और अब मेरे पास है थोड़ा व्हीपिंग क्रीम, तो ये मेरे पास 1/2 कप व्हीपिंग क्रीम था, तो मैं इस पर लगा लूँगी ऊपर से। इसको पूरे में अच्छी तरीके से फैला देंगे। मैंने व्हिपिंग क्रीम को पूरी तरह से फैला लिया है।
यहाँ पर मेरे पास ये व्हिपिंग क्रीम बचा हुआ था तो मैंने यूज़ कर लिया है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप ये स्टेप स्किप कर सकते हैं। और अब इसे डेकोरेट कर लेंगे थोड़ी सी टूटी फ्रूटी के साथ। आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट के साथ इसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर थोड़ी टूटी फ्रूटी यूज़ कर रही हूँ। और अब इसको कवर करके रख देंगे फ्रिज में 3 से 4 घंटों के लिए। ये जितनी ज़्यादा देर तक रखा रहेगा फ्रिज में उतना अच्छी तरीके से ये सेट हो जाएगा और इसका रिज़ल्ट आपको उतना ही अच्छा मिलेगा। और ये हमारा रिज़ल्ट रेडी हो गया है। मैंने इसे ओवरनाइट रख दिया था फ्रिज में। बहुत अच्छी तरीके से सेट हो गया है। और अब मैं इस पर डाल दूँगी कुछ मैंगो चंक्स। मैंने पहले नहीं रखा था क्योंकि मुझे इसे लंबे टाइम के लिए रखना था, इसलिए मैंने इस पर मैंगो चंक्स नहीं डाले थे क्योंकि मैंगो ज़्यादा देर तक काट के रख देने से काले पड़ जाते हैं, इनका कलर चेंज होने लगता है। और अब ये सर्विंग के लिए रेडी है। बहुत ही डिलीशियस बनता है, इसे ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक का बटन क्लिक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।